हेलो गाइस, मैं मनीषा कुमारी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक फल दिखाने जा रही हूँ। आप लोग बिहार के होंगे तो आप इस फल को जानते होंगे। ये जो फल है इन्हें बहुत नामों से जाना जाता है। कोई इसे डाभा नींबू बोलता है, कोई बड़ा नींबू बोलता है, या फिर कोई इसको बड़ा नींबू भी बोलता है। और ये एक ही फल है और इनके नाम अनेक हैं, और इन्हें गागर नींबू भी कहकर बोला जाता है। तो अभी मैं आपको इसके खाने के तरीके बताती हूँ कि वो कैसे छिलकर खाया जाता है। तो यहाँ मैं पहले से निकाल ली हूँ, और जो बड़ा वाला नींबू रहता है अगर उसको आप लोग अच्छे से चाकू से उसका छिलका हटाने पर कुछ ऐसा निकलता है। उसके बाद आप लोग इसके बीज को एक एक करके सारा बीज ऐसे निकाल लेंगे। इस नींबू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि हमारे छोटे नींबू के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है, वैसे इस नींबू के अंदर भी विटामिन सी और विटामिन ई दोनों पाया जाता है। तो यहाँ हम एक एक करके इस सारे दाने को निकाल लेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके तरफ इस फल को क्या बोला जाता है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सारे नींबू को एक एक करके निकाल लूँगी। यहाँ मैं सारा निकाल ली हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसका ये छिलका है, इसे हम फेंक देंगे। और जितना मैं निकाली हूँ यहाँ पे इतना सारा है। तो आज मैं इसे खाने के तरीके बताऊँगी जो कि बहुत चटपटा है। तो अभी हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं नमक दे दी हूँ। उसके बाद ये हमारा चाट मसाला है, आप लोग देख सकते हो रागिश का चाट मसाला। तो हम इसके अंदर इस मसाले को भी ऐड करते हैं। आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाकर देखिएगा कि कैसा बनता है। यहाँ पे मैं अपने मसाले को ऐड कर ली हूँ। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये सारा मिक्स हो गया है, तो आप उसे चम्मच की सहायता या फिर हाथ से भी आप लोग खा कर देखना कि ये नींबू कैसा है। ये खाने में मीठा भी लगता है, खट्टा भी लगता है, और नमक के साथ तो बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा एक बार, और अगर अच्छा लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसके खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है आप लोग आगे देखिए। यहाँ कुछ रोगों को बताया जा रहा है दोस्तों कि आप लोग इस रोग में इस फल को खा सकते हो, या फिर इसका शरबत बनाकर पी सकते हो। तो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा। तो मैं कल अब अगले वीडियो को अपलोड करूँगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू।